नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना की जानकारी देने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से कन्या सुमंगला योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नारायण जी ने किया था। इस योजना के लिए कुल 1200 करोड़ का बजट प्रस्तावित है और 99 लाख परिवारों का इसका लाभ मिल सकता है। अब बात की जाए कि योजना क्या है, तो कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा सरकार द्वारा किया जाएगा, साथ ही बेटियों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि वह बड़े होकर अपने बल पर अपना भविष्य बेहतर बना सके। कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार द्वारा बेटी के जन्म से लेकर उसके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पर 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो जो ये आर्थिक सहायता है वो किस प्रकार से दी जाएगी, यानी कि जो जन्म से लेके उसकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के जो 15,000 रुपए मिलेंगे वो किस प्रकार से मिलेंगे। तो इसके अंदर जब कन्या का जन्म होगा तब 2,000 रुपए की प्रथम किस्त दी जाएगी। जब उसका एक वर्ष पूर्ण हो जाएगा वह अपना टीकाकरण करा लेंगे, उसके बाद 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कक्षा फर्स्ट में दाखिला लेने पे 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। फिर कक्षा 6 में दाखिला लेने पे 2,000 रुपए दिए जाएंगे। जब बेटी कक्षा 9 में होंगी तब 3,000 रुपए मिलेंगे और जब ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी तो 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये है योजना का लाभ। अब हम बात करते हैं योजना के लिए जरूरी दस्तावेज। तो आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य, स्कूल में दाखिले का प्रमाण पत्र होना चाहिए व जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये 3 दस्तावेज है जो इसके लिए आवेदन के लिए जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। तो आवेदक लड़की का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, ये है इसकी जो एलिजिबिलिटी। फर्स्ट, लड़की की शादी होने की राशि तभी मिलेगी जब उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाएगी। आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर किसी परिवार में 2 लड़कियां हैं तो वह दोनों लड़कियों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक लड़की होने पर लाभ नहीं मिलेगा। किसी परिवार में यदि जुड़वा बेटियों का जन्म होता है तो वह इस योजना की पात्र होगी। मान लो एक पहले लड़की, उसके बाद 2 और लड़कियों का जन्म हो गया जो जुड़वा है, तो इन तीनों बेटियों को यह लाभ मिलेगा। यदि किसी परिवार में 3 लड़कियां होगी तो वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा, यानी कि पहले से 2 बच्चे हैं और तीसरी बच्ची का जन्म हुआ है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। अब हम अंतिम स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है, कोई क्या प्रोसेस है उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर इसके बारे में कोई जानकारी दी जाती है तो उसके बारे में वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो दोस्तों ये थी कन्या सुमंगला योजना, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के जन्म से लेके उसके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता के लिए प्रारंभ की गई। तो इसके बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल इमित्र हेल्प वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इसी तरह के और मजेदार वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो दोस्तों बाय बाय, बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई योजना के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल इमित्र हेल्प वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों।